आईपीएल 2019 कोहली की कप्तानी में आरसीबी का बुरा हाल, दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टीम का कोहली की कप्तानी में बुरा हाल हो रहा है। टीम में दुनिया के कई विस्फोटक खिलाड़ी शामिल है, बावजूद इसके टीम फिसड्डी साबित हो जा रही है। आईपीएल के 11वें मैच में भी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आरसीबी का निराशाजनक प्रदर्शन रहा, लिहाजा इस टीम के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। हैदराबाद ने बेंगलोर के सामने 232 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था, जवाब में आरसीबी की पूरी टीम 113 रनों पर ढेर हो गई और 118 रनों के बड़े अंतर से मैच हार गई। यह आरसीबी की आईपीएल इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी हार है। इससे पहले 2008 में कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों 140 रनों का हार का सामना करना पड़ा था, यह इनकी आईपीएल में सबसे बड़ी थी। इसके बाद 2011 में किंग्स इलेवन पंजाब के हाथों 111 रनों से मात मिली थी, जो कि आरसीबी की तीसरी सबसे बड़ी हार है। इस सीजन में दूसरी बार आरसीबी कम स्कोर बना गई। इससे पहले 23 मार्च को हुए चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ लीग के पहले मैच में आरसीबी की पूरी टीम 70 रनों पर ढेर हो गई थी। कोहली 2011 से टीम के कप्तान बने हुए हैं। आरसीबी कोहली की कप्तानी में 99 मैच खेल चुकी है, जिसमें 44 जीते हैं तो 50 मैचों में हार मिली है। वहीं 2 मैच बराबरी पर छूटे तो 3 बेनतीजे रहे हैं। ऐसे में कोहली का आरसीबी के लिए कप्तानी रिकॉर्ड 46.87 का रहा है। बता दें कि कोहली आईपीएल में 5000 से अधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं, लेकिन आरसीबी को कभी खिताब पर कब्जा नहीं करा सकी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।